हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक हो और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और आने वाले बच्चों का भी पेपर अच्छा हो। 27 जनवरी पहली शिफ्ट 9 से 12, उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस वो डिस्कस करते हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड जो हमें पता लगे हैं उसके आधार पे। देखने में पेपर बहुत आसान लग रहा है, तो डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ ही बातें करेंगे। इसमें पहला जो सवाल है, इसमें पहले सवाल में स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, पहले सवाल में अगर इसको देखोगे तो सिंपली क्या करना है, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने पर जो डिनोमिनेटर में है वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, नीचे 2 आ गया, 0 से 1 dx, ऐसा कर सकते हैं। और ये एलिमेंट्री पार्ट है, इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कितना आएगा x+3, ये पावर कितना आएगा 3/2, और नीचे भी कितना आ गया 3/2, 1/2 को बाहर भेज दो, माइनस दिस इज़ x+1 होल पावर 3/2, और दिस इज़ 3/2, और ये 0 से 1, ऐसा कर सकते हैं। 1 रखने पर कितना आ जाएगा, ये 1/2 है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 से, तो 1/3, ये 3 बाहर आ गया। और 1 रखने पर कितना आ रहा है, 4 की पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 8 तो ये हो गया, और इधर रखा तो माइनस का 2 की पावर 3/2, ये आ गया माइनस। 0 रखने पर 3 की पावर 3/2, और माइनस का ये 1, ऐसा आ गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना, 8 रेखिए 9 हो गया, तो 1/3, ये तो 9 आ गया, और ये कितना, इसको लिखा जा सकता है 2 × √2, और ये कितना हो जाएगा 3 × √3 आ गया। ठीक है, अंदर भेजिए, दिस इज 3, और ये माइनस का 2/3 √2, और ये √3 बचा। इससे इसको कंपेयर करने पर ये कितना आ गया, ये तो 3 आ गया, ये कितना माइनस का 2/3 आ गया, इधर लिख देते हैं, बी कितना आ गया माइनस का 2/3, और सी बराबर कितना आ गया माइनस का 1। यहाँ पर कितना, ये तो 6 हो जाएगा, और माइनस का 3b, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 1 रखोगे तो प्लस का 4, ये 12। पहले का आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि बहुत ही एलिमेंट्री सवाल था। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ए दे रखा है वेक्टर, वेक्टर बी दे रखा है, ए डॉट सी दे रखा है, जो कि 3 है, ए क्रॉस सी बी के बराबर है, ये सिंपली कैलकुलेट करना है। एक बार पहले इसको अंदर भेज के देखते हैं, शायद कुछ हो सकता है, इजी बन जाए। तो उसको अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, ए डॉट सी क्रॉस बी, और ये माइनस का ए डॉट बी, और ये ए डॉट सी, यही बनेगा। अब ये एसटीपी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉट है, ये क्रॉस है, तो इंटरचेंज करने पर क्या बन जाएगा, ए क्रॉस सी, ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, ये डॉट बी, और ए डॉट बी, इसका डॉट करोगे तो देखो 1 और ये 1 आ गया, 2 − 1 तो −2, और ये प्लस का 1 तो 1 − 2 + 1 तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो लिया, और ये कितना आ गया 3, इधर से 3 लिख दिया। अब इसमें ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ए क्रॉस सी मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज किया। तो ये बी डॉट बी माइनस का 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये √3 3, तो ये 27 − 3, तो कितना आ रहा है 24, तो इसका आंसर फर्स्ट है। ये भी बहुत एलिमेंट्री सवाल था, बस ये छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि एसटीपी के अंदर डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने पे एसटीपी की वैल्यू या रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछा है। तो ऐसे सवाल में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है H2O, याद रखना आसान है। H क्या है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर है, O क्या है, सर्कम सेंटर है, और H2O मतलब यहाँ पे सेंट्रोड है, जो 2 इस तरफ होता है और 1 इस तरफ होता है, मतलब सेंट्रोड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये लर्न करने का तरीका है, H2O से लर्न कर सकते हैं। तो अगर ऑर्थो सेंटर पे कई बार कोऑर्डिनेट पे कमेंट करना हो और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके जाते हैं। अब ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं, सेंट्रोड x1 + x2 + x3/3 करके ऐसे वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, लेकिन सर्कम सेंटर के लिए फाइट करना पड़ता है। अगर सर्कम सेंटर मिल जाए हमें इजीली, तो इन दोनों से हम H निकाल सकते हैं। अब इसमें 2 सिचुएशंस होती है, जो इजी सिचुएशन है।
दो इजी सिचुएशंस क्या है, पहले आप जब भी इस टाइप का सवाल आए तो उन सिचुएशन को एक बार देखो कि वहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं है। वो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन नंबर वन, कई बार क्या होता है तीन वर्टिसेस देते हैं ट्रायंगल के और उन तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होता है, ज़्यादातर ओरिजिन पे गेम खेलते हैं। अगर तीन ट्रायंगल के वर्टिसेस का ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है तो ओरिजिन ही सरकम सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऐसा तो नहीं है, तो तीनों का इसका ओरिजिन से डिस्टेंस रूट पाँच है, इसका पाँच है, तो बराबर नहीं आ रहा, मतलब ओरिजिन से तीनों का डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कई बार राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है। तो एक बार देखिए कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, तो आप देखोगे ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो और ए सी का स्लोप निकालो, आप पाओगे कोई भी दो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर और बेस है उन लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आना चाहिए, तो ऐसा इसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों जो आसान परिस्थितियां बन सकती थी सॉल्यूशन के हिसाब से वो दोनों की दोनों यहाँ पर नहीं है। तो अब हमारे पास एक जो लेंदी जो कि स्कूल में हम सीबीएसई में बच्चे करते हैं वो तरीका लगाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है कि सर्कल पे तीन पॉइंट गिवन है, पॉइंट एक 1.2, पॉइंट बी यहाँ ले लेते हैं दैट इज़ -3.4 और पॉइंट सी यहाँ ले लिया दैट इज़ 5.8। सर्कम सेंटर ओ इसको मैं एच कोमा के ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ए ओ ए, ओ ए बराबर क्या होगा ओ बी होगा और ओ ए बराबर क्या होगा ओ सी होगा, स्क्वायर कर दो तो भी बराबर ही रहेगा, रेडियस के बराबर है। ओ ए कितना आ रहा है दैट इज़ एच माइनस वन का होल स्क्वायर और ये के माइनस दो का होल स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर कितना है दैट इज़ एच प्लस तीन का होल स्क्वायर और ये के माइनस चार का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का टू एच आएगा प्लस का छः, तो माइनस का टू एच उधर भेज दो तो आठ एच हो जाएगा और यहाँ से माइनस का फोर के, यहाँ से माइनस का आठ के, तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का चार के बचेगा, ठीक है। और यहाँ से कॉन्स्टेंट हम एक और चार यहाँ से पाँच, ये कितना नौ और ये कितना सोलह, पच्चीस इधर प्लस का पाँच उधर गया तो बीस, तो ये आएगा इक्वल टू जीरो। तो टू एच बराबर ये ऐसा लिखा जा सकता है पाँच बराबर जीरो, इसको इक्वेशन वन दे दिया, यानी इसको सोल्व किया तो एच और के में एक लीनियर इक्वेशन आ गई, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो एच और के में दूसरी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो वो सोल्व कर लेते हैं, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, सी जो है 5.8 है, हम ऊपर देख लेंगे सी, ठीक है। इस वाले पार्ट को इधर सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये पार्ट तो सेम है, h माइनस वन का होल स्क्वायर k माइनस दो का होल स्क्वायर बराबर, और ओ सी कितना 5.8 है तो h माइनस पाँच का होल स्क्वायर और ये k माइनस आठ का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर गया माइनस का 2h और माइनस का 10, h इधर भेजिए तो प्लस का 8h बचेगा, माइनस का 4k और वो कितना माइनस का 16k, तो इधर भेजेंगे तो प्लस का 12k बचेगा, ठीक है। एक और चार, पाँच तो कॉन्स्टेंट हम इधर हो गया 25 और 64 को, तो पाँच को उधर भेजा तो 25 में से 20 बचा, 20 और 64 कितना 84, तो माइनस का 84 बराबर जीरो, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से चार गया तो 2h प्लस का 3k माइनस का 21 बराबर जीरो, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो इसको इधर ही लिख देते हैं, 2h माइनस का k प्लस का 5 बराबर जीरो, ये पहली इक्वेशन लिखी, माइनस करने से कितना आएगा 4k और ये कितना 26, तो ये कितना 26 इधर भेज दिया तो k बराबर कितना आ गया 13/2, ये k की वैल्यू आ गई। इसको इसी में उठा के रख दो तो h भी आ जाएगा, तो 2h बराबर यह आ जाएगा 13/2 माइनस का 5, तो ये 3/2, तो h बराबर कितना आ गया 3/4, यानी वो जो सर्कम सेंटर है इस ट्रायंगल का उसका एक कोऑर्डिनेट आ गया। सर्कम सेंटर पता है सेंट्रोइड इजीली निकाल सकते हैं, तो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ पहले सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर तो हमारे पास कितना आ गया दैट इज़ 3/4, 13/2, ठीक है। सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड कितना आएगा दैट विल बी 1, 5, 6 और ये 3/3, तो 1, ये 6 और 8, 14, 14/3,
तो वो फॉर्मूला लगाते हैं एच टू वाला, ये एच ले लेते हैं, इसको अल्फा कोमा बीटा ले लेते हैं, और ये सेंट्रोइड है, टू रेस टू वन है, और ये सरकम सेंटर है, ये आपका 1.14/3 है, और ये कितना है 3/4.13/2 है। अब यहाँ से देखिए, ये अल्फ़ा इंटू वन, तो अल्फ़ा प्लस 3/4 इंटू ये, तो 3/2 बचेगा, अपॉन कितना, दोनों रेशियोज़ का सम बराबर कितना कर दिया 1, 3 को इधर भेजा, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर 3 - 3/2, तो कितना 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट 3/2 तो उसी में आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। बाकी वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो क्या आ जाएगा, दिस बीटा इंटू वन, तो बीटा प्लस दिस 13/2 × 2, तो 13/2 कितना, दोनों रेशियोज़ का सम बराबर 14/3, ये कैंसिल हो गया, तो बीटा बराबर 1, वाई कोऑर्डिनेट भी मैच हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन ठीक है। तो ये भी एक आसान सवाल है, स्कूल लेवल टाइप का सवाल है, तो इसमें बस आपको मेनली क्या करना है कि इस पेपर में मेरे को जो समझ में आता है, इस पेपर में जिस बच्चे की कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब जो एरर फ्री कैलकुलेशंस करता है, उसका स्कोर ज़्यादा आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या मैटर करेगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट की हड़बड़ाहट ना हुई हो पेपर में, कई बार बच्चे आसान पेपर होता है फिर भी घबरा जाते हैं, तो एक तो हड़बड़ाहट ना ही हुई हो, और इसके अलावा एक्यूरेसी जिसकी अच्छी है उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, इन कम्पेयर टू जिसने ज़्यादा पढ़ा कम पढ़ा, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी आप देखोगे तो टेंथ के शायद एनसीईआरटी की बुक में भी होगा इस टाइप का सवाल। तो इसमें देखिए, एक एपी ये है, ठीक है, जिसका पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस कितना 6 है, और टोटल 25 टर्म्स है। तो इस एपी का एक बार 825th टर्म निकाल लेते हैं, तो पहला टर्म 3 है और 25 है, तो 24 इंटू कितना, दैट विल बी 6, तो ये कितना 144+3, तो 147 आ जाएगा। और यहाँ पर ये दूसरी एपी है, इसमें टोटल 37 टर्म्स है, पहला टर्म तो 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो इसका अगर मैं 837 निकालूं, तो ये कितना आएगा, 3+36 × d5 है, तो ये तो 180 हो गया, तो 183 हो गया। मैंने पहले पूरा सवाल पढ़ा था, उसके बाद में मैंने ये सोचा कि इन दोनों को फाइंड कर लेता हूँ। इन दोनों को फाइंड क्यों किया, क्योंकि इसने कॉमन टर्म्स के बारे में पूछा है, तो कॉमन टर्म्स जो है, आप देखिए इसका मैक्सिमम जो टर्म्स की वैल्यू है वो 147 है, और इसका जो हाईएस्ट टर्म है वो 183 है, तो जो कॉमन टर्म होगा वो 147 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से पता लग गया कि जो कॉमन टर्म्स से सिक्वेंस बनेगी या एपी बनेगी, उसका मैक्सिमम टर्म इसको क्रॉस नहीं करेगा। अब कॉमन टर्म से सीक्वेंस जो बनेगी वो कौन सी है, आप देखिए पहला टर्म तो कॉमन है ही, इसमें दिख ही रहा है, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी उसका पहला टर्म तो कॉमन है ही, और दूसरा कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी होगी, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम के बराबर होता है। तो इसका 6 है और उसका 5, तो एलसीएम कितना हो गया 30, तो ये 30 अगले टर्म के 30 कॉमन डिफरेंस है, तो ये 33, फिर 30 ऐड किया तो कितना 63, ऐसे चलेगा। इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं, 147 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 93 हो जाएगा, और अगला टर्म क्या हो जाएगा 123, और अगले टर्म पे 30 ऐड करोगे तो 153 जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कितना टर्म्स है 5 टर्म्स है, समझ में आ रहा है, तो 5 पे टिक लगा दो इसमें। और अगर मान लो सपोज करो कि ये कुछ बड़ी वैल्यू होती, तो फिर क्या करते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते हैं आप ए एन, और वो लेस देन क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर इसमें मिनिमम है वो लिख देते हैं। तो इसको सोल्व करने पर यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाती, तो वही एन की वैल्यू मतलब वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता जो कॉमन टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल सवाल है, अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5 अब, और कितना आसान बना सकते हैं आप देखिए, इस सवाल में फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इतना आसान सवाल तो नीट में भी नहीं आता। आप देखिए इसमें दिस इज एन ए जी पी, इसमें ये ए पी बन रहा है, ठीक है, और ये जी पी का कॉमन रेशियो जा रहा है, ये जी पी जा रही है, तो आपको पता है कि इस टाइप की जो ए जी पी होती है ए प्लस डी इंटू आर, ये ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, इनफाइनाइट टर्म्स है, इसका सम सिंपली है ए अपॉन 1 - r, और डी इंटू आर अपॉन
वन माइनस आर का होल स्क्वायर है। अब इसमें देखिए ए कितना है, तीन है, तो तीन बटे वन माइनस वन बाई फोर। प्लस डी कितना है, पी, और ये कितना है आर, वन बाई फोर, और नीचे वन माइनस वन बाई फोर का होल स्क्वायर बराबर आठ दे रखा है। तो ये तो कितना हो गया, तीन कैंसिल, ये चार आ गया, प्लस कितना नाइन बटे सिक्सटीन, तो कितना नाइन पी, सॉरी ये कितना आ जाएगा फोर पी अपॉन नाइन बराबर कितना आठ। तो फोर पी कितना आ जाएगा, ये नाइन, ये चार बचा, तो यहाँ से पी बराबर कितना आ गया, नौ आ गया। तो पी की वैल्यू नाइन है, दिस इज इक्वल टू नौ। तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर सिक्स, सिक्स्थ क्वेश्चन में आप अगर देखो तो इन जनरल आप देखोगे सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में देखें सिक्स्थ क्वेश्चन में 2k 3k 0 0 1 0 01 ये एक सर्कल पे चार पॉइंट्स हैं। अब इस सवाल में जो ज़्यादातर बच्चे, एक जनरल जो अप्रोच है वो क्या अप्रोच यूज़ करेंगे ज़्यादातर बच्चे, कि इन तीन पॉइंट्स को यूज़ करके पहले सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे और फिर उस सर्कल की इक्वेशन में चौथे पॉइंट को क्या करवा देंगे, सेटिस्फाई, तो वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स है उनको आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ज्योमेट्रिकली ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत रिड्यूस, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, पूरी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें देखोगे आप तो ये जो तीन पॉइंट है, ये पॉइंट 0.0 है, ये 1.0 है, और ये क्या है आपका 0.1 है। आप इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और आपको पता है इसका जो सरकम सर्कल है, उस सरकम सर्कल का जो सेंटर वो यही होगा, समझ आ रहा है, मतलब ये हाइपोटेनस होगा। और जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा ये है, अगर ये हाइपोटेनस है, राइटिंग ये मतलब सर्कल का डायमीटर है, तो ये जो एंगल बनेगा वो भी कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर ये एंगल 90 है, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3k माइनस एक और 2k माइनस का जीरो, इसका स्लोप निकाला, इनटू इसका स्लोप निकालोगे कितना, 3k माइनस जीरो अपॉन 2k माइनस का एक, और ये माइनस वन आ गया। सोल्व करने पर 9k स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3k बराबर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k माइनस का 4k स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर भेजने पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 13k स्क्वायर और दिस विल बी 5k। तो सोल्व करने पर k की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक 5 बटे 13 आ रही है। ऑप्शन में k 0 नहीं है, एक बात। दूसरी बात, k 0 लेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, तो फिर अलग अलग देने का कोई सेंस ही नहीं था। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू है, दैट इज़ 5/13, तो ये वाला ऑप्शन है। अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सिंपल सा सवाल है, ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखो। तो हमें के पे कमेंट करना है, अब के पे कमेंट करना है तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली पता है एन माइनस वन सी आर जो है ये नंबर ऑफ वेज है टू सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव होगा, तो अगर ये दोनों बराबर है तो इस पार्ट को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो एक रेस्ट्रिक्शन हम ये लगा सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस एट जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 2√2 यूनियन, ये 2√2 से इन्फिनिटी, एक रेस्ट्रिक्शन ये आ गया। बट इसने क्या किया कि ऑप्शंस को कुछ इस तरह से दिया कि गलती का स्कोप इसने पहले ही कम कर दिया। गलती का स्कोप कैसे, अगर ऑप्शन में ये होता एक तो कई बच्चे इसके ऊपर भी टिक लगाते, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो अब बच्चे को पता है कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, यानी कुछ और रेस्ट्रिक्शंस इसमें होगी जिसकी वजह से आंसर और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट प्रिसाइज हो जाएगा। तो अब और क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इसमें, आप इसको ध्यान से देखो इस वाले को। एक तो एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ इस पर, के स्क्वायर माइनस का आठ, इस पर वो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, जो कि एन अपॉन क्या है,
आर प्लस वन लिख दिया, और एन माइनस वन सी आर ऐसा लिख सकते हैं। इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है, इधर वन आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका आर प्लस वन बटे में एन, और ये के स्क्वायर माइनस का आठ आ गया। अब नॉर्मली आप जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को देखते हो तो ये जो वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम एन के बराबर हो सकती है, मतलब जो आर प्लस वन है वो एन या एन से छोटा होगा, तो आर प्लस वन अपॉन एन ये लेस देन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मतलब ये वन या वन से कम रहेगा। तो ये लेस देन वन कर दिया, तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो के क्या आ गया, माइनस तीन से तीन। अब एक रेस्ट्रिक्शन ये थी और एक रेस्ट्रिक्शन ये, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड है तो टाइपिंग एरर हो सकती है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अगेन एलिमेंट्री क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने में आपको हल्का फुल्का दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ वाई माइनस एल एन वाई माइनस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप, एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए, इसमें वाई की वैल्यू कुछ भी रखिए, और दोनों हमेशा क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये कॉन्स्टेंट के बराबर हो, तो इसको सी मान लेते हैं। मतलब एक बार सोच के देखिए, इसमें एक्स कुछ भी रखिए, इसमें वाई कुछ भी रखिए, हमेशा बराबर आ रहा है, तो हमेशा बराबर आने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखने पर रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब वो कॉन्स्टेंट ही होगा तभी सेम आएगा, तो उसको सी के बराबर लेट कर लिया। तो ये इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ अगर क्लियर है तो बाकी सवाल में फिर कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें फर्दर क्या किया जा सकता है, एफ एक्स बराबर एल एन एक्स प्लस का एक्स प्लस का सी, वहाँ एफ डैस एक्स एफ डैस पूछा है, तो एफ डैस किया तो क्या हो जाएगा, ये सी भी चला गया, वन बाई एक्स प्लस वन बचा। अब एफ डैस वन बाई के स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। इसका सिग्मा ले लिया, सिग्मा के बराबर वन से लेकर कितना 20, एंड दिस विल बी के स्क्वायर प्लस का एक, ये कितना हो जाएगा 20, 21 और 40, 41 बटे में कितना 6, और 20 टर्म्स है तो सिग्मा वन कितना हो जाएगा 20, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 और ये तो 10 आ गया, ये 1 और ये 7 और ये 28, ये आ गया ये 0 प्लस का 20, तो कितना आ जाएगा 28790, ये आंसर आ रहा है। तो इसमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बाकी सवाल मेंस लेवल मान सकते हैं इसको, अच्छा सवाल था। अब मेंस में तो सारे सवाल आ रहे हैं बट उनका जो स्तर है वो मेंस के लेवल का नहीं है, ठीक है, ये सवाल ठीक था। अगला सवाल, ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा सवाल है, बाकी देखा जाए तो इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट है बहुत एलिमेंट्री है, जो शायद ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है। इस सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि एलिप्स गिवन है और एलिप्स गिवन है इस टाइप से, मान लेते हैं ये ले लिया, ये 5 है और ये कितना है 4, ये पॉइंट है 1/2, 2/5, यहाँ से कोड ड्रॉ की जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ये पार्ट इसके बराबर है, ठीक है। ये पॉइंट पी ले लेते हैं, जो भी गिवन है इसको पी बोल दिया, तो इसके हिसाब से ए पी बराबर क्या है, पी बी है। तो आपको इसका एक फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि अगर इसकी इक्वेशन हमें निकालनी तो सिंपली टी बराबर क्या कर दो, एस वन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो इक्वेशन निकालते हैं टी बराबर एस वन, तो टी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स इंटू एक्स वन से, तो 1/2 अपॉन में 25 प्लस वाई को रिप्लेस कर दो वाई इंटू वाई वन से अपॉन का 16 बराबर 1, तो दिस विल बी एक्स अपॉन 50 प्लस वाई अपॉन 40 बराबर कितना, एस वन भी लिखना है, तो ये माइनस का 1, ये तो एस वन टी हो गया, एस वन कितना जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बटे में कितना 25 प्लस का 2/5 का होल स्क्वायर
बटे में कितना 16 माइनस का 1, ये टी है वो एस1 है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू ये तो 1/100 और ये कितना 4/25 तो 4 से कैंसिल तो 1/ ये भी क्या आ गया 100 हो गया, 4/25 तो 4 × 25 तो 100 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/50। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 4x + 5y और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये उस लाइन की कोड की इक्वेशन आ गई जो पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। अब हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो ए बी की लेंथ फाइंड करने का एक जो रिजल्ट है जो हम देखते हैं वो एक्स ए माइनस एक्स बी इंटू रूट में 1+m², ये रिजल्ट है जहाँ पर m क्या इस लाइन का स्लोप है और एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स है। तो आप क्या करिए, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अगर निकालना है तो इसको एलिप्स के साथ सोल्व कर दो और एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो और उसमें रूट्स का डिफरेंस निकाल लो, वही मॉड एक्स ए माइनस एक्स बी होगा। तो यहाँ से क्या करिए, वाई की वैल्यू निकाल कर उसमें रखते हैं, तो 4 − 4x/5 ये उठा के इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी x² / 25 + 4 − 4x² और अपॉन में कितना, दिस विल बी 25 × 16, 25 मैंने बाहर ले लिया बराबर 1, तो 16 तो कैंसिल आउट 25 को उधर भेज दो तो x² + 1 − x² / 25 ये कितना हो जाएगा 2x² − 2x − 24 = 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x² − x − 12 = 0, तो x − 4 × x + 3 = 0, तो x = 4 − 3 आ गया। तो ये 4 जो है वो इसका x कोऑर्डिनेट है और माइनस का 3 क्या है इसका x कोऑर्डिनेट है, डिफरेंस कितना आ गया 7, तो ये वैल्यू तो हो गई 7 और इधर रूट के अंदर 1+ स्लोप कितना है इस कोड का, दैट इज़ −4/5, तो ये 16/25 हो जाएगा, 16/25 तो सोल्व करने पर 41 रूट में तो ऊपर आ गया 41, ठीक है, और ये 7/5 नीचे आ जाएगा, तो 7√41/5 ये ए बी की लेंथ आ गई यहाँ से यहाँ तक। आई थिंक दिस इज क्लियर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, s = z such that z + 1 iota का मॉडुलस इक्वल टू z − iota का मॉडुलस इक्वल टू z − 1 का मॉडुलस z एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास z + iota, z − iota और z − 1 ये इक्वल गिवन है, तो इसका मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिससे इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आयोटा माइनस आयोटा और 1 से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस में, तो मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो क्या हो सकता है, जो इक्वल डिस्टेंस पे हो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, जो तीनों से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा इजिकल्स टू माइनस आयोटा और इजिकल्स टू कितना हो जाएगा −1, मीन्स 1, 1 और 1, तो जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास सेट एस में हो जाएगा 1, 1 इज करेक्ट आंसर। हमें स्टेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें 10 डाटा का सम गिवन है और उनका प्रोडक्ट गिवन है, a1 a2 a3 उनका सम गिवन है एंड फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन a²/n − a/n² तो समेशन a, तो a1 + a2 + up to a10 इसका सम गिवन है हमें, इसका सम गिवन है 50। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, समेशन a² + 2 times of summation ai + aj = 2500। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है अपने को समेशन ए स्क्वायर की, मतलब समेशन a1 a2 की वैल्यू गिवन है और समेशन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो इसकी वैल्यू गिवन है 1100 = 2500। तो समेशन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 2500 - 2200,
समेशन ए स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा 300, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। अब समेशन ए स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें फॉर्मूले में, तो ये रिजल्ट हो जाएगा समेशन ए स्क्वायर, तो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा कितना है 10, समेशन ए कितना है 50 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है हमारे पास 30 - 25, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा √5, करेक्ट आंसर इज √5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी में इसमें क्वेश्चन आया है कि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वो एक्स से डिनोट है तो, और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब 3 से मोर देन टाइम में 6 आता है, मतलब 4 टाइम्स में आता है, 5 टाइम में आता है, 6 टाइम में, बी फाइंड आउट करना है 3rd टाइम में जब 6 आता है, और सी अपने को फाइंड आउट करना है जब 6 या मोर देन टाइम्स में आता है या 3 से मोर देन उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास, उसकी 6 आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 1/6 मींस कितना हो जाएगा 5/6 होगा। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, 3 से मोर देन टाइम में 6 आता है, मतलब 1st 2 टाइम में 6 नहीं आया, तो 1st 2 टाइम में 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6 × 5/6। अब 3rd टाइम में भी 6 नहीं आया, अब 4th टाइम में जाके 6 आया, पहली टर्म्स ये हो गई, सेकेंड टर्म्स क्या हो जाएगी 5/6 × 5/6 × 1/6, ऐसे ये हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, 4 टाइम में आया हो, 5 टाइम में आया हो, 6 टाइम में आया हो, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इनफाइनाइट जीपी यूज करें, वो उसका रिजल्ट हो जाएगा a/(1 - r). a का मतलब कितना हो गया 5/6 की होल पावर कितना हो गया 3 × 1/6, 3 × 1/6 हो जाएगा, और 3 × 1/6 है डिवाइडेड बाई 1 - r, और कॉमन रेशो कितना आ जाएगा, इसका कॉमन रेशो आ जाएगा हमारे पास 5/6, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास 5/6 का होल क्यूब × 1/6 × 1/6, ये कैंसिल आउट होगा 5/6 का होल क्यूब। b की बात करें तो b है हमारे पास एग्जैक्टली 3 टाइम में 6 आया हो, तो क्या हो जाएगा 1st 2 टाइम में 6 नहीं आया, 5/6 × 1/6, तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 5/6 की होल स्क्वायर × 1/6। देन c की बात करें तो c क्या है 6 से मोर देन टाइम में आया हो, 6 या 6 से मोर देन टाइम में आया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा अपने 6 से मोर देन टाइम, तो 6 टाइम में आया हो तो 5/6 की होल पावर 5 × 1/6, 7 टाइम में आया हो तो 5/6 की होल पावर 6 × 1/6, अप टू इन्फिनिटी तक चल सकता है ऐसे, इसमें भी जीपी यूज कर सकते हैं, तो 5/6 की होल पावर 5 × 1/6 अपॉन 1 - r, r का मतलब हो गया 5/6, तो 5/6 की होल पावर 5 × 1/6 और 1/6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/6 की होल पावर कितनी हो जाएगी 5। देन इसको कैलकुलेट करें, c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी है अपने पास ग्रेटर देन 6 के लिए, तो 5/6 की होल पावर 5 डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन 3 के लिए, तो ग्रेटर देन 3 के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5/6 की होल पावर 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 5/6 का होल स्क्वायर फाइंड आउट होगा। देन अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a का रिजल्ट है हमारे पास a + b/c, a का रिजल्ट है 5/6 का होल क्यूब, b का रिजल्ट है 5/6 का होल स्क्वायर × 1/6, एंड c का रिजल्ट है 5/6 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करें, डिवाइड करें तो यहाँ तो रिजल्ट हो जाएगा 5/6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट 1/6, तो 6/6 मीन्स रिजल्ट आ जाएगा 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन गिवन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, इसमें डेटा रॉन्ग है, तो क्वेश्चन जो है बच्चों से जो क्वेश्चन हमें पता लगा है वो क्वेश्चन है ए वेक्टर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ डाटा गलत था इसमें, तो जो करेक्ट डाटा है वो है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2α - 4j - kk एंड बी वेक्टर है α i + α j + 4kk। देन क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा,
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना है, और इसके बिटवीन गिवन है ए एंड बी जो वेक्टर है उनके बिटवीन एक्यूट एंगल गिवन है। तो एक्यूट एंगल है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मींस इनके बिटवीन जो एंगल है वो कितना एंगल होगा, 90 से लेस देन और जीरो से ग्रेटर देन होगा। मींस ए डॉट बी की बात करें तो ए डॉट बी उसका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस फोर ग्रेटर देन कितना होगा, जीरो होगा। मींस अल्फा ए का अल्फा ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस फोर जे का फोर अल्फा ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस फोर अल्फा माइनस फोर। देन इसके फैक्टर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, इन इक्वेशन को सोल्व करें तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी का मीन्स है माइनस का फोर डिवाइडेड बाई टू ए। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा थर्टी टू, थर्टी टू को लिख सकते हैं फोर रूट टू डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा टू, तो रिजल्ट ही टू प्लस माइनस टू रूट टू। देन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करें तो टू प्लस टू रूट टू, देन रिजल्ट टू माइनस टू रूट टू। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, देन हमारा आंसर हो जाएगा लेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मीन्स क्या हो जाएगा टू प्लस रूट टू से, टू प्लस टू रूट टू से क्या हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक हो जाएगा टू माइनस टू रूट टू तक, ठीक है यूनियन। अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू अल्फा फाइंड आउट करना है तो पॉजिटिव वैल्यू अल्फा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी टू प्लस टू रूट टू से अप टू इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें बच्चों तो ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें डेटा गलत है। तो यहाँ पे होना चाहिए एक्स लेस देन थ्री के लिए कंडीशन है, ये एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए कंडीशन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। क्वेश्चन है इस कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू थ्री पर कंटिन्यूस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है, पेयर की फॉर्म में आंसर बताना ए एंड बी की फॉर्म में। तो सबसे फर्स्ट बात करें कि कंटिन्यूस फंक्शन है तो एक्स इक्वल टू थ्री पर वैल्यू और एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच और एक्स इज इक्वल टू कितना है थ्री माइनस एच, इस पर वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए और एट दिस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अब वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो मीन्स एक्स इक्वल टू थ्री की बार बात करें एक्स इक्वल टू थ्री पर फंक्शन जो यूज आएगा वो फंक्शन है बी, बी यूज आएगा। थ्री प्लस एच पर बात करें तो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन यूज आएगा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट थ्री से ग्रेटर है तो थ्री से कुछ ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3। तो फंक्शन हमारे पास जनरेट होगा 2 की पावर साइन एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना है एक्स माइनस 3। मींस इसकी वैल्यू हो जाएगी जब यहां पे लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू 3 तो 2 की पावर पर हो जाएगा अपने पास 0 ओवर 0 फॉर्म, मींस साइन एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देन अपने पास रिजल्ट आ गया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी 2। देन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो इस पर 3 से लेस देन वैल्यू फिल करें, 3 से लेस देन सपोज कर लें 2 फिल कर लेते हैं। अब 2 फिल करें तो इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 7 होगा तो ये मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 11 माइनस 24 नेगेटिव होगा। तो मॉडुलस फंक्शन के सामने क्या यूज करना होगा नेगेटिव साइन, तो मीन्स ये फंक्शन बन जाएगा ए नेगेटिव, नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 डिवाइड में क्या हो जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, डिनोमेटर से न्यूमेटर कैंसिल आउट होगा, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी माइनस की a बाई बी। अब तीनों वैल्यू को इक्वल कर दें तो माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू फाइंड आउट होगी 2, b इज 2। देन हम बात करें माइनस ए बाई बी इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 2b, तो a इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 2 इंटू 2 मीन्स a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी माइनस 4। तो करेक्ट आंसर इज माइनस 4.2। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेक्ट होगा माइनस 4.2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों अपने पास, इफ फंक्शन डिफाइन है n माइनस 1 से, नेचुरल नंबर माइनस 1 से नेचुरल नंबर में डिफाइन है और एफ एन इज इक्वल्स टू उसकी डेफिनेशन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो नेचुरल नंबर के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है। मीन्स इसमें फंक्शन में हमने इंसर्ट किया फर्स्ट नेचुरल नंबर 2, ठीक है, इसने 1 बना कर रखा है n माइनस 1 से,
तो टू इंसर्ट किया तो इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वन इंटू टू, मीन्स हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर होगा वो टू। फिर थ्री इंसर्ट करोगे तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया वन इंटू थ्री। देन इसमें फोर इंसर्ट करोगे तो इसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा अपने पास वन इंटू टू इंटू टू, देन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आ गया टू। तो देन इसका मैपिंग में हम देखें तो सेट्स ए और सेट्स ए में इसको रिप्रेजेंटेशन करें तो इसमें इनपुट दे रहे हैं हम टू थ्री फोर और आउटपुट में रिजल्ट आ रहा है हमारे पास टू और थ्री। तो टू का आउटपुट कितना है टू, थ्री का आउटपुट कितना है थ्री एंड फोर का आउटपुट कितना है टू। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा मेनी वन, मतलब टू और फोर का जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आ रहा है डबल आउटपुट आ रहा है, मतलब फोर का आउटपुट भी टू है और फोर का भी आउटपुट टू है, टू का भी आउटपुट टू है। तो इसका मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन है। देन इसमें जब रिजल्ट दे रहे हैं हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं फाइव इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा फाइव, वन इंटू फाइव मीन्स फाइव। तो मीन्स इसके आउटपुट में फोर नहीं होगा, मतलब फाइव का आउटपुट फाइव आ जाएगा। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगी रेंज, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो इसका मीन्स फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास ये फंक्शन हो जाएगा इनटू टाइप का फंक्शन होगा। तो फोर्थ करेक्ट आंसर चला जाएगा नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू फंक्शन।